गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का बीएड का मेंटल एबिलिटी का 2022 का सेट है, क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के सॉल्व कर रहे हैं, नंबर सीरीज है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, कंप्लीट द नंबर सीरीज, कंप्लीट करनी है, यहाँ पर रखेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए बड़ा सा करके। नुक्ता क्या है इसका कंप्लीट करने के लिए कि सबसे पहले डिफरेंस देखिए इन दोनों में, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जितना होगा उसमें से जो जमा जगह माइनस कुछ भी करना पड़ेगा उससे हमें पता चलेगा कि इस सीरीज में रूल क्या काम करता है। रूल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, लॉ भी कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हैं हिंदी में, है ना। तो उसको आइडेंटिफाई करना है। इंडक्टिव मेथड होता है ये, एग्जांपल वन है, एग्जांपल टू है, एग्जांपल थ्री है, एग्जांपल फोर है। एग्जांपल से जब हम कंक्लूजन रूल की तरफ बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, नंबर इंडक्टिव रीजनिंग है ये। तो यहाँ सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे 165 और 195 में। जल्दी से मैं देखूंगा कि सिमिलैरिटी क्या है, एक है फाइव है, एक है फाइव है, और डिफरेंस जो है डिजिट है, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो डिफरेंस या वेरिएबिलिटी में भिन्नता में पाया जाता है। तो ये 6 और 9 का डिफरेंस आ गया 3, इट मीन्स डिफरेंस कितना हुआ, 30 का डिफरेंस हुआ। ऊपर अब देखेंगे ऐसे ही के 95 है, ये 55 है। कैलकुलेशन करने के लिए मेरे माइंड ने टेक्निक अपनाई हुई है कि इसको जल्दी से राउंड कर देंगे, इसको मैंने जल्दी से 200 बना दिया, ये लिख दिया 200, है ना, 200 लिख के जल्दी जल्दी हो गया कि इनका डिफरेंस 200 का 55 है, 55 में ये 5 प्लस कर दिए और ये डिफरेंस मेरे पास आ गया 60 का। इट मीन्स रूल क्या हो सकता है, 30, 60, 90 या 30, 60, और ये डिफरेंस करके पता चलेगा, अभी नहीं है क्लियर, इसका डिफरेंस देखना है। अब मेरे पास ये भी 5, 5 है, ये रहा 5, ये रहा 5, ये भी 2, ये भी 2, जो जल्दी से मैं देखूंगा कि इनमें डिफरेंस क्या है, ये 5 और 8 में, 5 और 8 में सीधा डिफरेंस दिखाई दे रहा है 3 का, और ये मेरे पास आ गया 30, 30 का। इट मीन्स रूल दिखाई दे रहा है डिफरेंस ऑफ प्लस 30 प्लस माइनस 30, ये है ना, जहाँ सिंपल कर लीजिए 30, 60, 30, 60, ये प्रोबेबिलिटी है कि 60 हो डिफरेंस। तो इसका देखने के लिए जल्दी से 45 मेरे पास बचे हैं और ये 300 में से 15, 45, और जल्दी से क्योंकि माइंड को पता लग गया है कि ये डिफरेंस 60 का होने की संभावना है, तो ये डिफरेंस 45 प्लस 15 हुए तो जल्दी से पता चल गया कि 60 ही बन रहा है। तो यहाँ से दूर से अब देखेंगे 30, 60, 30, 60, 30, इट मीन्स आगे प्लस कितने होंगे, इसमें प्लस कितने होंगे 30, ये रूल है और रूल को यहाँ पर अप्लाई किया और प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। तो ये अब इजी है करने के लिए, 3 और 5 को छोड़ दे, ये 3 को यहाँ 4 के साथ प्लस कर दे, कितना आ गया यहाँ पर मिड में आ गया 7, ये 7 आ गया और 5 यहाँ पर 375 अगर है तो राइट आंसर हो सकता है 375 ए, यहाँ पर इसको उड़ा देंगे दिखाने के लिए, ये है 375 राइट आंसर। वैसे भी दूसरी टेक्निक से भी हम निकालते तो क्या होना था, अगर 3 सेकंड मेरे पास, 5 सेकंड सिर्फ होते तो मैंने जल्दी से लोएस्ट, या इसमें 1, 2, 3, 4 लोएस्ट, इसको रिजेक्ट करना था, हाईएस्ट ये है इसको रिजेक्ट करना था, इनका ऑर्डर किया, तो ये मिड टर्म है, मैं मिड टर्म में एक गैस लगा देना था जो भी बनता था, वो गैस में प्रोबेबिलिटी 50% की है ठीक हो सकता है, वो अगर टाइम नहीं है तो, अगर टाइम है तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, ये बेटर है। मान लीजिए आपके पास 5 ऐसे क्वेश्चन हैं, देखिए 5 क्वेश्चन ऐसे हैं और आपके पास 2 मिनट है, अब क्या हो सकता है कि आप एक की कैलकुलेशन राइट कर सकते हो, जल्दी देखिए 5 में से इजी कौन सा, छोटी डिजिट वाला कौन सा है ना, जहाँ आपके माइंड को कौन सा इजी लगता है उसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी जो 15, 20, 25 सेकंड बचे हैं उसमें से गैस वर्क लगा दीजिए, ऐसे पॉसिबल है, तो ये एडजस्टमेंट करनी होती है। एम है कि करेक्ट जो नंबर है फाइंड आउट करना है, इंडक्टिव रीजनिंग है, रूल आइडेंटिफाई करना है। रूल आइडेंटिफाई करने के लिए नुक्ता क्या है कि फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट में डिफरेंस देखना है। डिफरेंस के लिए इसमें से इसको माइनस किया, साफ दिखाई दे रहा है 8 आ गया, और अब
9 और 70, 9 और 70 में डिफरेंस देखेंगे। जल्दी से डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए माइंड ने 9 का 10 बना लिया और 10 में से 17 को माइनस किया, 7 आ गए, 7 जमा 1, ये भी डिफरेंस इनका 8 आ गया। तो 8 8 कुछ ऐसे का, अभी क्योंकि सेम आया है अभी कोई रूल नहीं दिखाई देगा। अब 17 और 33 का डिफरेंस, इसको थोड़ा नीचे चल रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ कि नीचे चला जाऊं, देखने के लिए विजिबिलिटी ठीक रहेगी। 17 है, 17 को जल्दी से माइंड ने 20 बना लिया और 20 और 33 का डिफरेंस देखा, इसमें से इसको माइनस कर दिया और आ गया 13। 13 में जो जो 3 का डिफरेंस था, जल्दी से मेरे माइंड ने ऐसा किया, आप किसी और ढंग से डिफरेंस देख सकते हो, देख सकते हो। 13 जमा 3 हो गए यहाँ पर, ये जल्दी से 3 करके इसने कहा 16, यहाँ पर 16 आ गया। अब जब 16 आया तो 99% क्लियर हो गया कि पॉसिबिलिटी ये है 8 8 16 16 16 भी हो सकते हैं, 8 8 16 प्लस 8 भी हो सकती हैं इनक्रीजिंग में, तो ये वो पता चलेगा। अब यहाँ पर अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो 33 और 94 का डिफरेंस देखने के लिए माइंड ने इसका एकदम 50 बना लिया, ये 50 बना लिया और 50 में से 33 माइनस किए तो कितने आ गए मेरे पास। चलो दूसरे तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि दूसरे ढंग से भी हो सकता है, शायद आप वैसे ही करते हो। मैंने कि क्या किया क्या कि 9 से 3 माइनस किए तो ये आ गया 6, और ये 4 से 1 माइनस कर दिया ये आ गया 1, ये जल्दी से हो गया जो टेक्निक आपको सूटेबल है। अब रूल क्या दिखाई दे रहा है, साफ है 8 8 16 16, लेकिन आगे क्या है 8 8 16 16 जमा 16, इसमें 8 किए तो क्या बना, ये भी हो सकता है 8 8 जमा 16 16 जमा 24 24, 8 8 बढ़ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो उसका डिफरेंस अब देखेंगे, ये डिफरेंस देखने के लिए यहाँ ऊपर कर रहे हैं, ये इसको 50 मान लिया, 50 में से मैंने, क्योंकि यहाँ पर वहाँ बड़ा था, इसमें से ऐसे ही फाइंड आउट करना इजी था, लेकिन यहाँ छोटा है, दैट इज़ वाई मैंने दूसरी तरह किया, इसको 50 बना लिया, इसको 70 बना लिया, 20 का डिफरेंस है और 3 23 जमा 1 4 24 ही आए, बिल्कुल ठीक। इट मीन्स 8 8 16 16 24 24, इसमें प्लस 24 ही होंगे। जब इसको प्लस 24 कैसे करना है, इसको जल्दी से करके 7 ले आइए, इतने में 7 वाली डिजिट देखिए कोई है, ये है 97, तो आंसर लगा दीजिए बेशक। और ये रहा 7 को 2 में प्लस किया, ये आ गया 97, 97 इज राइट आंसर, वो यहाँ पर पड़ा है 97, ये रहा 97 ए इज राइट आंसर। यहाँ पर वो रूल वायलेट होता है कि लोएस्ट वाला जो राइट नहीं मिला इस पेपर में, ये एक ही क्वेश्चन है लगभग जो मिला है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव कंप्लीट द नंबर सीरीज, फिर कंप्लीट करनी है वही काम, एक काम में लगा रखा है हमको लोगों को। तो ये है सबसे पहले 3 और 15 का डिफरेंस है, क्लियर दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंस कितना है ऊपर लिखो, ये लिख लिया, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, ये है 12 का, ओके। और 15 और 35 का डिफरेंस ये साफ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, 5 5 है, 3 में से 2 किए और ये आ गया हमारा 20 का, है ना, 20 का डिफरेंस। अब ये देखना है कि 99 कैसे आता है, अब अप्लाई करेंगे इनमें से इन्फ्रेंस क्या निकलता है, इनका डिफरेंस है 8 का, 12 में 20 का 8 का, है ना, इट मीन्स 12 में 8 प्लस किए, इसमें 8 प्लस करके इसमें प्लस करके देखेंगे, 8 इसमें प्लस किए वो बने 28 यहाँ पर आ गया, अगर 8 8 किए तो ये बन गया 28, है ना। रूल क्या दिखाई दे रहा है, 12 20 28 36, ये करके देखना है, 36 आगे लिख लेते हैं क्योंकि नहीं 36 नहीं, हाँ ठीक है, तो इसमें 28 जमा करके देखेंगे, लिख लेते हैं 28 इसमें जमा करने हैं, जल्दी से ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि ये किया 2 जमा 3, एक तरीका ये है, ये हो गया 5, ओके, और ये बन रहा है 10 से ज़्यादा, 5 जमा 8 ये 13 बन रहे हैं, इसका मीन इसका 6 कर दें और इसका 3 कर दें, एक तरीका ये है जमा करने का। दूसरा है कि जल्दी से इसको यहाँ लिख के ऐसे भी कर सकते, जो जल्दी होता है, अगर गिन के जल्दी होता है तो छोटी रकम है तो गिन के भी कर सकते हैं, तो ये 63 यहाँ पर आ रहे हैं,
63 आपको थोड़ा सा हौसला देगा अगर इस ऑप्शन में है, क्योंकि यही फिल करनी है, ये है, इसको वेरीफाई अगर करने का टाइम है तो वेरीफाई कर सकते हैं। क्या करना है उसके लिए आपको 36 इसमें प्लस करना होगा, तो फिर 99 आना चाहिए। मतलब ये बना ना 3 जमा 12 15 15 जमा 20 35 35 जमा 63 जो भी है 63 जमा 36 99 ये आना चाहिए। ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि 10 से कम कम बन रहे हैं। ये 6 जमा 3 9, ठीक है, 3 जमा 6 9, ये वेरीफाई हो गया कि 99 है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर इज 63, ये रहा बी इज राइट आंसर। अगर ऑर्डर में करके देखना है, 5 सेकंड है, तो लोएस्ट ये है, इसको रिजेक्ट कर दोगे, हाईएस्ट ये है, इसको रिजेक्ट कर दोगे, इनके दोनों में से सी और बी में से एक चूज कर लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो आंसर की है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सीरीज फाइंड द रॉन्ग नंबर, ये डिफरेंट है, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है, सीरीज है, सीरीज में रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, अप्लाई वही नुक्ता करेंगे, 2 में 8 इसका डिफरेंस देखा 6 दिखाई दिया है, और 8 और 20 का डिफरेंस कितना है साफ दिखाई दे रहा है, 8 और 20 का ये हो गया 12, है ना, ये हो सकता है 6, ये क्या हो सकता है, 6 जमा 12 जमा 18 जमा, ऐसे हो सकता है। दूसरा, दो हाइपोथेसिस बने, एक है 6 जमा 12 जमा 18, है ना, कि 6 6 प्लस हो रहे हैं, एक हो सकता है 6 जमा 12, मतलब उसका दुगना हो सकता है 24, है ना, ये दो पॉसिबिलिटीज बनती है, देखते हैं क्या है। तो अगर टेस्ट करना है इसमें 24 लगा के देख सकते हैं, 18 लगा के देख सकते हैं, नहीं तो डिफरेंस देखे, टाइम ज़्यादा है तो डिफरेंस भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो डिफरेंस दिखाई देता है नीचे जा रहे हैं ज़्यादा, ये 48 और 20 में साफ है, यहाँ 0 है, कैलकुलेट करना इजी है, ये हो गया 4 को 2 से किया 2 और 8 28 का डिफरेंस है, 28 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, मतलब कि 20 में 28 जमा हो रहे हैं, तो ये बन रहा है कुछ कि 6 में 6 जमा 12 जमा 24, जहाँ तो 24 आने चाहिए थे, जहाँ 6 जमा 12 जमा 18 6, वो भी नहीं आ रहे, तो प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि ये गलत हो सकता है। उसके लिए अगला डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या है, इस रूल में से किसी को एक को अप्लाई करके 6 जमा 12 जमा 24 का अप्लाई करें, अगर इसकी जगह पर ये वाला अप्लाई करके देखें रूल नंबर 2 हाइपोथेसिस जो बनाया था, तो वो क्या होगा, 6 जमा 12 जमा इसमें 24 जमा करने हैं तो वो बन गया 44, है ना, तो 6 जमा 12, है ना, तो यहाँ आएगा 44, यहाँ आना है, ये डिफरेंस नहीं है, यहाँ आना है, इसको नीले पेन से कर रहा हूँ, ये यहाँ आना है, ये यहाँ पर ये एरर हो सकती है कि 48 की जगह 44 लिखा हुआ है। अब करके देखते हैं, अगर 44 में ये मिल गया 6 जमा 12 जमा 24 जमा दुगने क्या हो गए 24 दुगने 48, इसमें 48 जमा करके अगर ये आते हैं तो यही गलत है, तो या ये रहा 24 जमा 48 कितने बने, ये बना 44 जमा 48 ये रहा 44 जमा 48, यहाँ पर राइट अगर 44 मान के चलें तो रूल के मुताबिक 48 जमा होने हैं, दुगने दुगने हो रहे हैं, तो 44 जमा 48 कितने बने ये देखना है, अगर 92 बन गए तो यही राइट आंसर है, तो ये बने 8 4 12 1 4 4 8 1 9 92, ये बन रहे हैं बिल्कुल। अगर यहाँ 44 होता है तो सीरीज क्या बन रही है, ये रूल अप्लाई हो रहा है 6 जमा 12 जमा 24 जमा 48 जमा 48 का दुगना करो, ये बन गया 96, इसमें आगे 96 जमा होंगे, 96 ये देखना है, 96 जमा हो रहे हैं, इसको जल्दी से मैंने बनाया, क्या 90 बना लिया, है ना, 190 बनने, ये 98 का डिफरेंस हो गया, ये 2 माइनस किए, बिल्कुल 96 ये बन रहा है, ठीक है, राइट आंसर, राइट आंसर इज यहाँ पर कौन सा गलत है, ये वाला गलत है 48, अगर वो ऑप्शन में 44 डाल देते ये तो बहुत जनों ने ये आंसर लिख देना था, तो ये अब तक की सीरीज का जो मोस्ट डिफिकल्ट रहा है।